हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल मैगजोन पर। जैसा कि आपको पता है, आज है संडे और हर संडे हम आपके लिए लेकर आते हैं डेली करंट अफेयर्स, और ये होने वाले हैं हमारे 17 फरवरी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ 25 बहुत अच्छे एमसीक्यूज जो कि हमारे करंट अफेयर्स से हैं, ये सारे एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज। और आई होप कि आप लोग हमारे सारे लेसन्स को फॉलो कर रहे हैं और बहुत सीरियसली पढ़ाई भी कर रहे हैं, और आपका आरआरबी जेई 2019 का जो सपना है वो बिल्कुल साकार होगा मैगजोन के साथ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन। लेकिन लेसन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मुझे अन अकेडमी पर भी फॉलो जरूर से कर लीजिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ न्यू वायरल वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में हुआ। ऑप्शंस: फरीदाबाद हरियाणा, पटना बिहार, कुन्नूर तमिलनाडु, गुवाहाटी आसाम, या फिर नन ऑफ दीज। तो बताइए यहां पर सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन 3, दैट इज कुन्नूर तमिलनाडु में यूनियन कैबिनेट अप्रूव द प्रपोजल फॉर द अलॉटमेंट ऑफ 30 acres ऑफ लैंड टू पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू वायरल वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट कुन्नूर तमिलनाडु। ऑलराइट, तो यहां पर सही आंसर है हमारा आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सटेंशन इज गिवन टू द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज। तो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज NCSK, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका एब्रीविएशन हो गया, whose tenure ends on March 31, 2019। तो कितने ईयर्स का एक्सटेंशन दिया गया है। ऑप्शन देखें: 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बताएं दोस्तों कमेंट करके जल्दी से कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखें इसका आंसर क्या होगा। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन 2, दैट इज 3 साल। तो पीएम मोदी चेयर्ड यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द टेन्योर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज बियॉन्ड 31 मार्च 2019 फॉर 3 साल। ठीक है, 3 साल का एक्सटेंशन यहां पर हो गया। तो सही आंसर है दोस्तों यहां पर हमारा ऑप्शन 2, दैट इज 3 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following bill is introduced in the cabinet to protect Indian citizen, mostly women, by their NRI spouses against exploitation and accountability? बहुत important question है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा important question है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए पहला options: Registration of Marriage and Protection of Indian Citizen Bill 2019, Registration of Marriage of Indian Women 2019. Registration of Marriage of Women Non-Resident Indian NRI 2019, या Registration of Non-Marriage of Registration of Marriage of Non-Resident Indian NRI Bill 2019। तो बताएं दोस्तों यहां से सही ऑप्शन क्या होने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो देखिए जो सही आंसर है हमारा, दैट इज ऑप्शन 4, Registration of Marriage of Non-Resident Indian Bill 2019। तो यूनिट कैबिनेट ने ये हमारा अप्रूव किया फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑफ Non-Resident Indian NRI Bill 2019। और ये मेनली किस लिए रखा गया है, टू प्रोटेक्ट वीमेन अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन citizens, मोस्टली वीमेन के लिए, बाय देयर NRI spouses, उनके जो पति हैं जो NRI हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके, उनको बचाने के लिए ये हमने लागू करवाया है, मतलब ये लागू हुआ है यूनियन कैबिनेट की तरफ से। तो आंसर हो जाएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडियन NRI बिल 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर द यूनियन कैबिनेट अलाउड विच एंटरप्राइज टू पार्टिसिपेट इन बिडिंग फॉर द स्ट्रैटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, EPIL। ठीक है, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड। ऑप्शंस: शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एलिजिबल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या फिर नन ऑफ दीज। तो बताएं, पीएम मोदी ने चेयर किया है ये यूनियन कैबिनेट, जिन्होंने अलाउ किया है किसी को पार्टिसिपेट करने के लिए बिडिंग, बिडिंग मतलब बोली लगाना, फॉर द स्ट्रैटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो ऑप्शन बताएं दोस्तों क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, या फिर 4 या फिर 5। तो यहां से सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन 2, एलिजिबल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, EPSES। ठीक है, तो सही ऑप्शन है हमारा यहां पर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाट इज द न्यू इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP
फॉर रॉ जूट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019 से 20 अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट. क्या नया इंक्रीमेंट किया गया है आपके रॉ जूट के प्राइस में जो कि हमारे फाइनेंशियल ईयर 2019 से 20 में आएगा? ऑप्शंस 3550 रुपए पर क्विंटल, 3650 रुपए पर क्विंटल, 3750 रुपए पर क्विंटल या 3950 रुपए पर क्विंटल या इनमें से कोई भी नहीं. ठीक है, तो बताएं यहां पर ऑप्शन सही कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4 या फिर 5. तो देखिए यहां पर जो हमारा सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 4, 3950 रुपए पर क्विंटल. ठीक है, ये भी हमारे कैबिनेट कमेटी चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज गिवन एन अप्रूवल टू इंक्रीज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर रॉ जूट फॉर 2019-20. For fair average quality raw jute, the MSP has been increased to 3950 per quintal, which was initially 3700 per quintal in 2018 and 19. So यहाँ से सही option हो गया हमारा option 4, that is 3950. Next question देखें, India had signed with which country for setting up joint working groups JWG on counter terrorism? All right, किसने India के साथ ये चीज sign किया? Options Morocco, दूसरा है जापान, तीसरा है श्रीलंका, चौथा है चाइना, पांचवा नन ऑफ दीज. तो बताएं यहां पर दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा, कमेंट करके बताएं. इंडिया हैज साइंड विच कंट्री फॉर सेटिंग अप जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स JWG ऑन काउंटर टेररिज्म, मोरक्को, जापान, श्रीलंका, चाइना या नन ऑफ दीज. तो दोस्तों यहाँ से सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन 1, दैट इज मोरक्को. द कैबिनेट अप्रूव्ड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU बिटवीन इंडिया एंड मोरक्को फॉर सेटिंग अप अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म सब्जेक्ट टू द केसेस रिलेटिंग टू टेररिस्ट अटैक्स. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द MOU आर ऑब्टेनिंग एंड एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन ऑन टेररिस्ट एक्टिविटीज. ऑलराइट, तो यहाँ से सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1. नेक्स्ट देखिए, India and Finland had signed agreement on cooperation with which of the following field? Alright, options देखे, in the field of agriculture, in the field of climate and environment, in the field of peaceful uses of outer space, in the field of science and technology, या फिर none of these. So, India and Finland had signed agreement on cooperation with which of the following fields? Option 1, in the field of agriculture. दूसरा है इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट, तीसरा है इन द फील्ड ऑफ पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेसेस, चौथा है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो बताएं यहां पर सही आंसर क्या होगा. तो दोस्तों यहां से सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 3, दैट इज इन द फील्ड ऑफ पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस. यहां पर भी इंडिया और फिनलैंड के बीच में एक MOU साइन किया गया है फॉर द यूज ऑफ पीसफुल स्पेस ऑफ आउटर, मतलब पीसफुली यूज करना है हमें आउटर स्पेस के रीजन को. ठीक है, और इसको अप्रूवल भी दिया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा. ऑलराइट, तो यहां से सही ऑप्शन हो गया इन द फील्ड ऑफ पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस. आंसर 3 हो गया सही. नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड हाउ मेनी MOUs साइंड बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया. तो यूनियन कैबिनेट ने कितने MOUs को अप्रूव किया है जो कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में साइन हुए हैं? ऑप्शन देखें, 2, 3, 4 या फिर 5. तो दोस्तों यहां से सही ऑप्शन बताएं क्या होगा, 2, 3, 4, 5 या नन ऑफ दीज. यहां से सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन 2, दैट इज 3 MOUs. द फॉलोइंग MOUs बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे. ऑन एस्टैब्लिशिंग अ मैकेनिज्म फॉर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया इन मैटर्स ऑफ कस्टम्स वॉज अप्रूव्ड बाई द यूनियन कैबिनेट. फॉर स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म वॉज ऑल्सो अप्रूव्ड बाई द यूनियन कैबिनेट. ऑलराइट, यहां पर हो गया हमारा ऑप्शन 2, दैट इज 3 MOUs को साइन किया गया है. नेक्स्ट देखें, यूनिसेफ ऑफ विच स्टेट हैड टाइड अप विद द गोवा वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर एड्रेसिंग द इश्यूज इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन. ठीक है, तो किस स्टेट के साथ यूनिसेफ ने टाई अप किया है? ऑप्शन देखें, न्यू दिल्ली, सेकेंड इज केरला, देन वी हैव महाराष्ट्र, देन वी हैव तमिलनाडु या फिर नन ऑफ दीज. न्यू दिल्ली, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर नन ऑफ दीज. तो यहां से सही ऑप्शन क्या होगा, यहां से हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, दैट इज महाराष्ट्र. ठीक है, तो गोवा विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने महाराष्ट्र के साथ हैंड्स ज्वाइन किए हैं फॉर दिस पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द चाइल्ड इन द स्टेट. ठीक है, तो यहां हो गया हमारा आंसर 3, दैट इज महाराष्ट्र सही. नेक्स्ट देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिक मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द रियल एस्टेट कॉन्फ्रेंस
CREDAI YouthCon 2019 in New Delhi. Options देखिए, Ministry of Commerce and Industry, National Real Estate Development Council, Ministry of Housing and Urban Affairs, Confederation of Real Estate Developers Associations of India, या फिर none of these. ठीक है, तो आंसर बताएं दोस्तों यहां पर क्या होगा. Which organization organized the Real Estate Conference CREDAI YouthCon 2019 in New Delhi? तो दोस्तों यहां से सही ऑप्शन हो जाएगा मेरा ऑप्शन 4, दैट इज द कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया. ठीक है, यहां से सही ऑप्शन हो गया मेरा ऑप्शन 4. नेक्स्ट देखें यहां पे क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द थर्ड एडिशन CREDAI YouthCon 2019 दैट हेल्ड इन न्यू दिल्ली, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ. इसकी थीम क्या है यहां पर बताएं दोस्तों. पहला देखिए थीम नेक्स्ट जेन, दैट इज नेक्स्ट जनरेशन. दूसरा क्या है ऑप्शन हमारा, दूसरा ऑप्शन है यहां पर देखिए आंसर बताएं. दूसरा ऑप्शन है हमारा नेक्स्ट जनरेशन यूथ कॉन्क्लेव, तीसरा है नेक्स्ट जेन रियल्टर, चौथा है फ्यूचर यूथ कॉन्क्लेव. तो सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, यहां से सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 1, दैट इज नेक्स्ट जेन, नेक्स्ट जेनरेशन. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक क्वेश्चन बन गया. ठीक है, तो CREDAI का फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया. करेक्ट ऑप्शन इज 1, दैट इज नेक्स्ट जेन. अगला क्वेश्चन देखिए, लाइफ साइज पोर्ट्रेट ऑफ विच पॉलिटिशियन वॉज अनवील्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया. ऑप्शन देखिए, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, बीआर अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, या नन ऑफ दीज. जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, बीआर अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, या फिर नन ऑफ दीज. तो यहां से सही ऑप्शन है दोस्तों हम अटल बिहारी वाजपेयी जी. ठीक है, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ साइज पोर्ट्रेट वॉज अनवील्ड एट द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद. ऑलराइट, ये हो गया हमारा सही ऑप्शन, दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहां पर, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ओल्ड एज पेंशन स्कीम रिसेंटली. तो नीतीश कुमार जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिसेंटली ओल्ड एज पेंशन एक लॉन्च करी, उसका नाम बताएं. ऑप्शंस, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, दूसरा है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, तीसरा है मुख्यमंत्री वृद्धि पेंशन योजना, यह है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, या नन ऑफ दीज. तो यहां से बताएं सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों. तो यहां पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना. अब ओल्ड एज तो इसी से रिलेटेड होगा, वृद्ध पेंशन योजना से. ठीक है, तो यहां पर सही ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन 3. नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैड अमालगमेटेड विद द पीएम किसान स्कीम इन ऑर्डर टू फर्निश फार्मर्स विद 10,000 rupees एनुअली. ठीक है, ऑप्शन देखें, एपी निरुद्योग वृद्धि स्कीम, अन्नदाता सुखी भवा स्कीम, एपी युवा सदिकरिका निरुद्योग भृति स्कीम, या चंद्रना बीमा योजना. यहां से बताएं दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा, ए मतलब ऑप्शन 1, 2, 3, 4 या 5. तो सही आंसर होगा आपका यहां पर ऑप्शन 2, दैट इज अन्नदाता सुखी भवा स्कीम. तो यहां पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक सिग्निफिकेंट मूव लिया है, एक सिग्निफिकेंट कदम उठाया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पोर्टल, ठीक है, विद इट्स ओन अन्नदाता सुखी भव स्कीम के साथ उन्होंने अमेलगमेट कर दिया, मर्ज कर दिया, जिसके यूज से 10,000 rupees पर एनम फार्मर्स को दिया जाएगा. ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ देयर लैंड. नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रोहिबिटेड द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI, किस स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोहिबिटेड किया है. ऑप्शन देखें, न्यू दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, या नन ऑफ दीज. तो यहां से बताएं सही ऑप्शन क्या होगा. ऑलराइट, तो यहां से देखें, न्यू दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, या फिर नन ऑफ दीज. तो सही ऑप्शन है हमारा झारखंड. ऑन 12th February 2019 झारखंड गवर्नमेंट हैज प्रोहिबिटेड द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इन द स्टेट टू प्रिवेंट इट्स anti-national tasks and activities and for keeping alleged association with terror outfits
लाइक ISIS, ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है हमारा झारखंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO अलॉन्ग विथ विच ऑर्गेनाइजेशन हैड इशूड अ न्यू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रिगार्डिंग फैब्रिकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ म्यूजिकल डिवाइसेस. ऑलराइट, क्वेश्चंस ऑप्शन देखते हैं, यूनिसेफ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो, या फिर नन ऑफ दीज. तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक नया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इशू किया है रिगार्डिंग द फैब्रिकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ म्यूजिकल डिवाइसेस. सही आंसर है यहां पर हमारा ऑप्शन 3, दैट इज द इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन ITU. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी और ऑप्शन 3 रादर, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन. ठीक है, यहां पर सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन 3. नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स डाइवर्जेंस चार्जेस हैड बीन क्लियर्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली. ऑलराइट, तो किस बैंक के डाइवर्जन चार्जेस को RBI ने रिसेंटली क्लियर किया है. ऑप्शन देखिए, येस बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या नन ऑफ दीज. ये भी आपका एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएं. ऑप्शन देखिए फिर से, येस बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या नन ऑफ दीज. तो दोस्तों यहाँ से सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 1, दैट इज द येस बैंक. तो 13 फरवरी 2019 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड क्लियर्ड येस बैंक ऑफ डाइवर्जेंस चार्जेस, दैट इज डिस्पैरिटी इन रिपोर्टिंग बैड लोन्स एंड प्रोविजनिंग नंबर्स फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2018. ठीक है, तो यहाँ से सही ऑप्शन हो गया मेरा येस बैंक. नेक्स्ट देखें, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. HDFC Bank, Kotak Mahindra Bank and IDBI Bank were fined rupees 2 million each for non-compliance with the respect to know your customer, KYC norms and anti-money laundering standards. Second, Allahabad Bank, Andhra Bank, Indian Overseas Bank and Bank of Maharashtra were penalized for not following directions set by RBI on monitoring end use of funds. Third, ICICI Bank has penalized with rupees 2 crore for the violation of RBI norms. अब हमें ये बताना है कि कौन सा करेक्ट है. ऑप्शन 1 करेक्ट है, ऑप्शन 2 करेक्ट है, ऑप्शन 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं, या सबके सब करेक्ट हैं, या इनमें से कोई भी सही नहीं आंसर है. तो ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, बताएं यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है. तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट है, मतलब 1 भी करेक्ट है और 2 करेक्ट है. तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिनलाइजेशन किया है बैंक्स पर, ठीक है, फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द सर्टेन रूल्स ऑफ RBI. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया साइंड एन अ डील विद विच कंट्री टू प्रोक्योर 72,400 6 असॉल्ट राइफल्स वर्थ अराउंड 700 करोड़. ठीक है, 72,400 असॉल्ट राइफल्स जिसकी कीमत है 700 करोड़ रुपए. तो किसके साथ डील साइन करी है. ऑप्शंस, US, दूसरा है रशिया, तीसरा है जापान, चौथा है थाईलैंड, या फिर नन ऑफ दीज. तो यहां से सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बताएं. तो यहां से हमारा सही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन 1, US. इंडियन गवर्नमेंट ने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ये चीज साइन किया है एक डील, जिसमें वो 72,400 न्यू 6 असॉल्ट राइफल्स, ठीक है, विच विल ओवरहॉल द आर्मीज इन्वेंट्री ऑफ फ्रंटलाइन राइफल्स. और इनकी कीमत लगभग इतनी है, यहाँ पर हमने बताया 700 करोड़ के अराउंड है, ठीक है, 700 करोड़ के अराउंड इनकी कीमत है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वन द पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पीटाज और स्कैट अवार्ड फॉर हिज और हर मूवी अ स्टार इज बॉर्न. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. अ स्टार इज बॉर्न नामक फिल्म के लिए किसे पीटा ऑस्केट अवार्ड से नवाजा गया. ऑप्शंस, सोनम कपूर, सेकंड ब्रैडली कूपर, थर्ड अमिताभ बच्चन, फोर्थ अनुष्का शर्मा, या नन ऑफ दीज. तो बताएं दोस्तों, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो यहां पर सही ऑप्शन है ब्रैडली कूपर. पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पीटा अवार्डेड एक्टर डायरेक्टर ब्रैडली कूपर ऑस्कैट अवार्ड फॉर कास्टिंग हिज ओन डॉग रादर दैन वन सप्लाइड बाई एनिमल एग्जिबिटर्स इन हिज मूवी अ स्टार इज बॉर्न. इसे 8 ऑस्कर मिले, ठीक है. दिस मूवी हैज रिसीव्ड 8 ऑस्कर्स नॉमिनेशन इंक्लूडिंग बेस्ट एक्टर फॉर ब्रैडली कूपर एंड बेस्ट एक्ट्रेस फॉर लेडी गागा.
ऑलराइट, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड दिस विल डेफिनेटली बी देयर इन आरआरबी जेई 2019 सीबीटी 1. नेक्स्ट देखिए, हु वाज अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद. तो यहां पर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन नॉमिनेट किया गया या किसे अपॉइंट किया गया, सॉरी, बाय रामनाथ कोविंद जी. ऑप्शन सुकुमार सेन, सुनील अरोड़ा, सुनील चंद्रा, ओम प्रकाश रावत या फिर नन ऑफ दीस. तो बताएं यहां पर सही आंसर क्या हो गया दोस्तों. यहां से आपका सही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन थर्ड, सुशील चंद्रा. सुशील चंद्रा जी हैज बीन अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑन 14 February 2019. ठीक है. नेक्स्ट देखें, अश्वनी लोहानी वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन. अश्वनी लोहानी जी, तो देखिए, रेलवेज बोर्ड्स, एयर इंडिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया या नन ऑफ दीस. तो बताएं दोस्तों यहां से सही ऑप्शन क्या होगा. तो यहां से देखिए सही ऑप्शन हमारा है, अश्वनी लोहानी जी हैज बीन अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ एयर इंडिया. ठीक है, he has been appointed as the CMD of Air India. All right, तो ये अपनी ड्यूटी कब से रिज्यूम करेंगे, 14 फरवरी 2019 से, और इसको रिप्लेस कर देंगे प्रदीप सिंह खरोला. ठीक है, प्रदीप सिंह खरोला जी को ये रिप्लेस कर देंगे. नेक्स्ट देखिए, who was appointed as the Chief of Staff of Eastern Naval Command विशाखापट्टनम. ठीक है, Chief of Staff of at Eastern Naval Command विशाखापट्टनम. ऑप्शन देखें, SN घोरमड़े, ऑप्शन टू सुनील लंबा, ऑप्शन थर्ड देवेंद्र कुमार जोशी, ऑप्शन फोर्थ निर्मल कुमार वर्मा या फिर नन ऑफ दीज. तो बताएं दोस्तों यहां से सही ऑप्शन क्या होने वाला है. तो देखें यहां पर जो हमारा सही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन वन, SN घोरमड़े. ऑलराइट, सो SN घोरमड़े जी हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ स्टाफ एट ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम. ऑलराइट, क्वेश्चन देखिए यहां पर, अ वेनमस स्नेक स्पीशीज विच इज नेम्ड एज क्राइंग कीलबैक हीबियस लैक्रिमा इज फाउंड इन विच स्टेट. ऑलराइट, तो नॉन वेनमस मतलब जो जहरीला नहीं होता, ठीक है, उसका क्या नाम है, क्राइंग कीलबैक या हीबियस लैक्रिमा उसका बायोलॉजिकल नेम है. यहां से किस स्टेट में पाया जाता है, ऑप्शन केरला, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका या फिर नन ऑफ दीज. तो बताएं ये स्नेक जो है जिसका नाम है क्राइंग कीलबैक या फिर हीबियस लैक्रिमा, केरला, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका या फिर नन ऑफ दीस. तो यहां से दोस्तों सही ऑप्शन है हमारा थर्ड, अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में ये हमारा सांप पाया जाता है विच इज अ नॉन वेनमस मतलब जहरीला नहीं होता. ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस लेसन का आज, Who was appointed as the coach of under 23 Indian football team for the upcoming Asia Football Confederation AFC? Pranoy Haldar, Derek Pereira, Sandesh Jingan, Jackie Chan Singh या none of these. Options फिर से सुन लें, Pranoy Haldar, Derek Pereira, Sandesh Jingan, Jackie Chan Singh या फिर none of these. Who has been appointed as the coach of under 23 Indian football team for the upcoming Asian Football Confederation? All right. तो यहां से देखें जो सही ऑप्शन होगा हमारा, that is option 2, Derek Pereira. तो Derek Pereira जी को अपॉइंट किया गया है as the coach for under 23 Indian football team. तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये भी सेशन आज यहाँ पर ख़त्म होता है. आई होप कि आप लोग को हमारे लेसन्स अच्छे लग रहे होंगे. तो आप लोग सिर्फ इतना काम करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि दूसरे चैनल्स पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और उन्हें वहाँ पर क्वालिटी मटेरियल नहीं मिल रहा है. उनको भी बोलें कि हमारे चैनल पर आएँ और एक बार स्टडी करके देखें. आई होप कि उन्हें भी अच्छा लगेगा जैसे कि आप लोगों को लग रहा होगा. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बस मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करते रहिएगा. थैंक यू सो मच.